माय नेम इज ब्रिंद सिंह, वेलकम टू द सेशन। होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रखते होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रखते होंगे। सो जी हाँ, महिलाओं का श्रृंगार, इस देश में त्योहार और लोगों के पास ज्ञान का भंडार और आपके एनी चांस का बुखार कभी नहीं जाने वाला है। जी हाँ, तो महिलाओं का श्रृंगार, इस देश में त्योहार, लोगों के पास ज्ञान का भंडार और आपके एनी चांस का बुखार कभी नहीं जाएगा। इतने सारे एनी चांस मुझे सुबह से आ चुके हैं कि मुझे फिर से इस टॉपिक पे वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि इंडिविजुअली रिप्लाई कर पाना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो जी, एनटीए ने अपना जो है स्कोर कार्ड अनाउंस किया है। कई सारे बच्चे तो अभी इस स्कोर कार्ड को ही रिजल्ट मान लेते हैं। रिजल्ट बाद में आएगा, कट ऑफ बाद में आएगा, ये सिर्फ आपका स्कोर कार्ड दिखाया गया है। दिस स्कोर कार्ड डजंट मीन यू आर गेटिंग द रिजल्ट। ये सिर्फ आपको बता रहा है कि आपका कितना स्कोर आया है। बिकॉज CSIR नेट लाइफ साइंस का एग्जामिनेशन दो शिफ्ट में था, इसी वजह से यहाँ पे मार्क्स की बजाय NTA स्कोर नॉर्मलाइज्ड स्कोर दिया गया है। आपके स्कोर कार्ड में नीचे किस फॉर्मूले से ये स्कोर कैलकुलेट किया गया है वो आपको बताया गया। सो ओवरऑल जो स्कोर है उस स्कोर से कैलकुलेट किया गया है और कट ऑफ भी स्कोर के बेसिस पे ही डिसाइड किया जाएगा। सो जी हाँ, इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि अगर आपका स्कोर बेस्ड कट ऑफ हो तो वो क्या होगा। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। सो ये स्कोर बेस्ड कट ऑफ जो है आपके पास है, इस स्कोर बेस्ड कट ऑफ में आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व के लिए क्या है और उसके बाद आपके EWS के लिए क्या है, OBS के लिए क्या है, या इन सब के लिए जो है कट ऑफ क्या होने वाला है। सो अकॉर्डिंगली आप इनको देखिए और इनसे जो है आप इवेल्युएट कर लीजिए कि आप अगर इनके कैटेगरी के बीच फॉलोअप कर रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूँ अनरिजर्व जनरल कैटेगरी JRF के लिए, तो 98.7 से 99.1 के बीच आसपास कट ऑफ जाएगा, मतलब 98.7 से 99.1 के बीच में जो लोग हैं वो बाउंड्री लाइन पे हैं, और जिनका 99 से ऊपर है वो लोग अपने आप को एकदम सेफ माने, मतलब ऑलमोस्ट दे आर लाइक क्वालिफाई हो चुके। और जो 98 से 7 के आसपास है, थोड़ा बहुत एक आध पॉइंट कम भी है, तो बाउंड्री लाइन के कंडीशन है। ये एक बाउंड्री लाइन आपको डिसाइड की गई कि कट ऑफ इसी के बीच में आने वाला है लगभग। तो अगर इसी के बीच में कट ऑफ आएगा, इसके आसपास है, तो आप बाउंड्री लाइन पे हैं, और 99.1 से ज्यादा है तो आप अपने आप को श्योर मान सकते हैं, जैसे कि अनरिजर्व के लिए। वैसे ही बाकी EWS के लिए 96.6 से ज्यादा है तो आप श्योर मानिए, OBC में 96.2 से ज्यादा है तो आप श्योर मानिए, SC ST में SC में जो है ना 89.8 से तो ऑलमोस्ट श्योर मानिए, ST में 83.3 से तो ऑलमोस्ट जो है श्योर मान सकते हैं, और PWD में 74.9 के आसपास है तो तब भी आप ऑलमोस्ट श्योर मान सकते हैं। उसी तरीके से लेक्चरारशिप का भी कट ऑफ आपको दिया गया है, 97.3 से ऊपर है तो आप श्योर मान सकते हैं, 94 से ऊपर है तो श्योर मान सकते हैं ऑलमोस्ट। बाकी जो लोअर रेंज या लोअर लिमिट दी गई है उसके बीच में जो है आप अगर फॉलोअप कर रहे हैं तो आप बाउंड्री लाइन पे हैं, आपको रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रख रहिएगा कि ये पर्टिकुलरली कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ना कि एक्चुअल कट ऑफ है। एक्चुअल कट ऑफ जब CSIR NTA रिजल्ट डिक्लेयर करेगा तभी आपको पता चलेगा कि वॉट इज द एक्चुअल कट ऑफ फॉर दैट एग्जामिनेशन। एंड इस पर्टिकुलर कट ऑफ को देख के आप अपने आप को खुद इवेल्युएट कर लीजिएगा इस कमेंट में या पर्सनल जो है इस तरीके से, सर एनी चांस करके जो है कोई फायदा नहीं है। खुद आप इतना तो कंपेयर करके अपने आप को देख सकते हैं कि आप कहाँ पे फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में भी मेला लगाने की जरूरत नहीं कि सर एनी चांस, बट यस जो है चांस का जो फॉर्म है वो आपको दे दिया गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।